एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वेवे के फादर सही टाइम पर घर पहुंच गए होते हैं, लेकिन वो पीछे के दरवाजे से नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर होता है। इसलिए वो स्टोर के फ्रंट गेट से जाने लगते हैं। वहीं पर वेवे को दिखाते हैं जिसे फेंग लेकर जा रहा होता है। तभी वो उसे इशारा करते हुए अपना घर दिखाती है। तभी उन्हें रात के अंधेरे में एक बंदा दिखता है जो उनके स्टोर के फ्रंट गेट से जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख कर वेवे कहती है कि नॉर्मली हम लोग पीछे के दरवाजे से ही जाते हैं, कहीं ये कोई चोर तो नहीं है ना। वहीं पर उसे दिखाते हैं जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खुल नहीं रहा होता है। तभी वो लोग आगे आकर उसे देखते हैं। फेंग उससे पूछता है कहीं ये कोई चोर तो नहीं है ना। वेवे उसे पहचान लेती है कि वो तो उसके फादर है। अपनी बेटी को वहां पर देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि वो यहां पर क्या कर रही है। अगर उसने ससुरों को बता दिया कि मैं इतना लेट गए घर आ रहा हूं तो मैं नहीं बचूंगा। लेकिन तभी वो खुद को शांत करते हुए सोचता है कि वो भी लेट आई है, इसलिए उसके फादर होने के कारण मुझे उसे एक सबक सिखाना चाहिए। ये डिसाइड करने के बाद वो उससे पूछता है कि तुम इतनी लेट को घर क्यों आ रही हो। तभी वो उसे एक लड़के के साथ देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। फेंग उससे हाई बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अचानक वेवे को उससे छीन लेता है और गुस्से में उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इतने क्लोज आने की। क्या अब तुम मरने के लिए तैयार हो? ये बात वो पूरा करता ही कि तभी वेवे की मदर आकर उसके सर पर झाड़ू से मारती है और कहती है कि तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो। और वो वेवे से पूछती है कि क्या चल रहा है। वो उसे सब कुछ बता देती है। वेवे का हेल्प करने के लिए वो फेंग को थैंक्स बोलती है। तभी फेंग यूर वेलकम बोलकर कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो गई है। लेकिन वो उसे रोकते हुए कहती है कि इतनी रात को रोड पर जाना सेफ नहीं होगा, ऐसा करो कि तुम आज रात को हमारे घर में ही रहो। ये सुनकर वेवे को छोड़कर वो दोनों थोड़े से हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर उसके फादर चिल्लाने लगते हैं कि तुम कैसे एक अडल्ट लड़के को हमारे घर में रहने दे सकती हो। तभी वो गुस्से में कहने लगती है कि अपना मुंह बंद रखो और मैंने अभी तक ये तुमसे नहीं पूछा है कि तुम किसके साथ अपना हैप्पीली नाइट बिताओगे। ये सुनकर वो डरते हुए कहने लगता है कि ये सब मेरी ही गलती थी। फेंग थैंक्स बोलकर कहता है लेकिन मुझे घर चले जाना चाहिए। सिसली कहते हैं कि सबवे आउट ऑफ सर्विस है और अभी तुम्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगा, इससे पहले कि ठंड और ज्यादा बढ़ जाए अंदर चलो। इसलिए वो उनके घर में रहने के लिए मान जाता है। वो कहते हैं कि गेस्ट रूम का हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम वेवे के रूम में रह सकते हो। ये सुनकर फिर से वेवे को छोड़कर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके फादर कहते हैं क्या वो लिविंग रूम में नहीं सो सकता है। वो कहती है कि उसने तुम्हारी बेटी को बचाया है, तुम कैसे उसे लिविंग रूम में रहने दे सकते हो। ये सुनकर वो हार मानकर वहीं पर गिरकर रोने लगता है। वहीं पर उसकी मदर वेवे से कुछ डील करती है और उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके फादर फेंग को डराते हुए कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी करने की कोशिश करते हो। ये बात वो पूरा करता है कि तभी सिसली उसे बुला लेती है और फेंग ये बोलते हुए उसके रूम में चला जाता है कि तुम्हारे फादर कुछ ज्यादा ही डरावने हैं। तभी वो उसे वैसे देखकर जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगता है और सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। और चेंज करके उससे मुड़ने के लिए बोलकर उससे अपने पैजामास के बारे में पूछती है। फेंग कहता है कि वो काफी खूबसूरत है। तभी वो उसे फिर से सेड्यूस करने लगती है, लेकिन फेंग उसे फिर से रोकते हुए कहता है कभी नहीं। वेवे पूछती है लेकिन क्यों नहीं, और सोचती है कि ये थोड़ा सा अजीब है कि फेंग बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ है। तभी फेंग उससे कहता है क्योंकि अभी मेडिसिन लगाने का टाइम है। ये बोलकर वो उसे मेडिसिन लगाने लगता है और वो उस वक्त भी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। ये देखकर वो सोच रही होती है कि ये थोड़ा सा शांत हो गया है, कुछ दिन पहले जब ये लू यांग से मिला था तब तो वो बिल्कुल नॉर्मल ही था, इसका मतलब जरूर पार्टी में उसके साथ कुछ हुआ होगा। वहीं पर उसके पेरेंट्स के रूम को दिखाते हैं जहां पर वो पूछता है कि तुमने उसे यहां पर रहने क्यों दिया, यहां तक कि तुम उसे वेवे के रूम में भी भेजती। वो पूछती है कि उसके अराउंड काफी सारे लड़के हैं लेकिन तुम सिर्फ इसी को लेकर इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो। वो कहता है क्योंकि वो बिल्कुल मेरा जैसा है, जैसा मैं पहले था। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है और उसकी मदर उसे उठाने जाती है और वो दरवाजा बिना नॉक किए खोलकर देखने लगती है। वेवे उठते हुए कहती है कि आपका दरवाजा नॉक करना चाहिए। उसकी मदर उसकी वैसी हालत देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी वेवे अपना वैसी हालत देखकर उससे कहने लगती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं जानती थी। इसके बाद कल रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर वेवे देखती है कि फेंग सो गया होता है। ये देखकर वो सोच रही होती है कि एक लड़की के साथ उसी के रूम में रहने के बावजूद भी ये इतनी आसानी से कैसे सो सकता है, आखिर इसे हो क्या गया है। और इसके 20 मिनट के बाद जब वो सो नहीं पा रही होती है तब वो उठकर फेंग के पास चली जाती है और उसे देखकर सोचने लगती है कि जब ये पहली बार हमारे स्कूल में आया था तब मुझे लगा था कि ये भी बाकी लड़कों की तरह ही होगा, लेकिन ये काफी नाइस बंदा है। ये लड़कियों से बात करते वक्त काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और वही चीज मुझे इसका बहुत ही क्यूट लगता है। और वो उसे वैसे ही देखते रहती है और वहीं पर सो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। वेवे सबसे बोल रही होती है बस यही रात को हुआ था। ये सुनकर उसकी मदर कहती है ये कितना ज्यादा बोरिंग है, मुझे तो लगा था कि कुछ एक्साइटिंग हुआ होगा। इसके बाद वेवे उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। फेंग उसे कुछ सोचते हुए देखकर उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है कि मेरी मदर थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही थी, वो वैसे तो पहले बिल्कुल भी नहीं थी। फेंग कहते है कि शायद वो ये पूछना चाहती थी कि कल रात को क्या हुआ था क्योंकि हम लोग बहुत ही लेट से घर गए थे। वेवे कहती है मुझे भी यही लगता है। इसके बाद फेंग उससे बाद में मिलते हैं बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहती
पूछती है कि तुम मुझे हमेशा मेरे पूरे नाम से क्यों बुलाते हो, अब से तुम मुझे सिर्फ वेवे बुलाओगे। फेंग इसके लिए मान जाता है और वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहीं पर फेंग याओ याओ के बारे में लिखने के बाद ये को कॉल करता है, बट उसका कॉल नहीं लगता है। ये देखकर वो सोच रहा होता है क्या वो बिजी है। तभी वहाँ पर निया आकर फेंग से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और कहती है कि ये का एक्सीडेंट हो गया है और तुम जल्दी से जाकर उससे मिल लो, और उसे कार में बैठा कर वहाँ से लेकर जाने लगती है। फेंग उससे पूछता है कि उसे क्या हो गया है। वो कहती है ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे इस सवाल का जवाब दो कि तुम ये को कैसे जानते हो। फेंग बताता है कि मैंने एक बार उसे डाइनिंग टेबल पर ऑफेंड कर दिया था, और सोचता है ये थोड़ा सा अजीब है, और उससे पूछता है कि तुम मुझे ये के बारे में बताने के बजाय मुझसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो। तभी उसे ये की बात याद आती है जब वो उससे कही होती है कि चाहे जो भी हो जाए बट कुछ दिनों तक तुम मेरे घर में नहीं आओगे। ये याद करके वो सोचता है कि अगर किसी को आना ही था तो ई को आना चाहिए था, लेकिन ये क्यों आई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुझे फंसाने की कोशिश नहीं करेगी। तभी वो उससे दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि तुम ये से आखिरी बार कब मिले थे। वो कहता है कि आखिरी बार हम दोनों एक साथ मूवी देखने गए थे। तभी निया वो सब लिखना बंद करके अपना डायरी बंद कर देती है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि ये दरवाजा भी लॉक है और जरूर ये कोई बुलेट प्रूफ विंडो होगा, और तभी वो कुछ सोचने लगता है। ये देखकर निया उससे पूछती है कुछ हुआ है क्या। ये सुनकर वो अपने मन में कहता है कि अब तुम बस मेरा ऑस्कर विनिंग नाटक देखो। ये बोलकर वो नाटक करने लगता है कि अब मैं और होल्ड नहीं कर सकता हूँ। निया कहती है कुछ देर और रोक लो, हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। लेकिन फ्रैंक कहता है कि मुझे डर है कि कहीं मैं तब तक अपना पैंटी गंदा ना कर दूं, और उसे पब्लिक वॉशरूम की तरफ दिखाते हुए कहता है कि एक मिनट में हो जाएगा। इसके लिए वो मान जाती है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि मेरा काम बन गया। ये सोचकर वो वहां से भाग जाता है। वहीं पर निया सोच रही होती है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर देने के बाद भी उसने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं। तभी वो समझ जाती है कि वो उसे बेवकूफ बनाकर भाग गया है, इसलिए वो उसे वहां पर जाकर ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे वहां पर नहीं मिलता है। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जो बहुत ही दूर आकर सोचता है कि चलो अब मैं सेफ हूँ, वैसे ये को क्या हो गया, मुझे उससे जाकर मिलना चाहिए। तभी उसे शेर बाइसाइकिल दिखता है, इसलिए वो उसे लेकर जाने लगता है, और सोच रहा होता है कि मुझे उसे बता देना चाहिए कि याओ याओ जिंदा है, शायद ये जानने के बाद वो थोड़ी सी अच्छा फील करेगी। और वहां जाकर सोचता है कि इस बार मैं उनका गेस्ट नहीं हूं, तो मुझे काफी सतर्क रहना पड़ेगा। तभी वो पेड़ पर चढ़कर उनके मेंशन में एंटर कर जाता है, और उसी वक्त निया भी आ जाती है। ये देखकर वो भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो लटक जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और जल्दी से वहां से निकलने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी वहां पर ई आकर उसका रस्सी काट देती है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है, और उसे डराते हुए कहती है कि लेडी ये ने तुमसे यहां पर नहीं आने के लिए कही थी ना। फेंग कहता है लेकिन तुम्हारी मदर कही कि ये का एक्सीडेंट हो गया है, क्या वो ठीक है। वो कहती है ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है। वो फिर से उससे पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, क्या ये सब उस पर्सन से रिलेटेड है जिससे वो कल मिली थी। लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देती है, इसलिए वो कहता है अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं जा रहा हूँ। तभी वो कहती है कि जिस पर्सन से वो कल मिली थी वो उसकी मदर ये ग्रुप की प्रेसिडेंट है। फेंग कहता है उसकी मदर, और उससे पूछता है क्या उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ई कहती है कि एक मेड होने के कारण मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकती हूँ। फेंग पूछता है क्या मैं उससे सीक्रेटली मिल सकता हूँ। वो कहती है बिल्कुल नहीं, यहाँ जगह जगह पर कैमरा लगा हुआ है, अगर तुम दरवाजे से जाते हो तो तुम पकड़े जाओगे, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम पकड़े जाओ तो तुम्हें उसके रूम के बालकनी से जाना पड़ेगा, लेकिन वो यूजुअली लॉक रहता है और उसकी सिर्फ दो ही चाबियां हैं, एक हमेशा ये रखती है और दूसरा मेरे पास है। फेंग उससे चाबी मांगता है, लेकिन वो ना देते हुए कहती है अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं एक इनकम्पिटेंट मेड बन जाऊंगी। ये बोलकर वो जानबूझकर चाबी वहीं पर गिरा देती है, और वहां से जाते हुए कहती है कि मेरी मोम से पकड़े जाने से पहले यहां से चले जाओ। तभी वो चाबी उठाकर ई को थैंक्स बोलकर बालकनी में चढ़कर उसके रूम में एंटर कर जाता है, और उसका रूम देखकर बोल रहा होता है तो ये है उसका रूम, लेकिन वो उसे वहां पर नहीं मिलती है, और आवाज से उसे पता चलता है कि वो अभी शावर ले रही है, इसलिए वो वहां पर इंतजार करने लगता है। लेकिन वो इंतजार करने के बजाय पीप करने के बारे में सोचता है, और देखकर देखता ही रह जाता है। इसके 10 मिनट के बाद वो आने लगती है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, और तभी उसे फेंग दिखता है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगती है फेंकिन, तभी फेंग उठ जाता है। उसे उठता देखकर वो पूछती है कि फाइनली तुम उठी गए, क्या तुम्हें मजा आया। फेंग कहता है बिल्कुल आया। तभी वो उसका गाल खींचते हुए कहने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो रहे हो। तभी वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। फेंग चाबी दिखाते हुए कहता है कि मैं बालकनी से आया हूँ। ये देखकर वो कहते हैं कि ई ने फिर से कोई मीनिंगलेस चीज कर दी। तभी वो कहता है कि भूल जाओ उसे, मैंने पार्टी में याओ याओ को देखा था, और उसे सब कुछ बता देता है। ये सब जानने के बाद वो उससे पूछती है कि जब याओ याओ तुम्हें रूम में लेकर गई थी तब तुमने उसके साथ क्या किया था। फेंग कहता है कि पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट तो ये है कि ये बात वो पूरा करता है कि तभी वो उसे डराते हुए पूछने लगती है कि आखिर तुम उसके साथ क्या किए थे। तभी फेंग थोड़ा सा शर्माते हुए धीरे से कहता है कि वो मेरे साथ सोना चाहती थी। ये कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से बोलो। तभी फेंग चिल्लाकर कहता है कि याओ मेरे साथ वो करना चाहती थी। ये पूछती है तो उसके बाद क्या हुआ था। फेंग कहता है उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था, उसे एक अलर्ट का मैसेज आने लगा था इसलिए वो वहां से चली गई थी, और मौका देखकर मैं भी वहां से भाग गया था।
ये सुनकर वो मुस्कुराने लगती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि मैं समझ गई। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।